सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। अब नरक द्वार में दूध सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिरता चारों खाने के दुर्गति होती, चार खानी में भ्रमता कदे ना लगता पार। और ये सब फेरा मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, यानी उस परम संत, उस संत की कृपा से, इस मंत्र की प्राप्ति से मेरा यू सारा जो दुख था ये बाईपास निकल गया, सौ फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। फिर क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं और लेखनी करूं बन राये, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। होय होय, अब बता के गुण लिखेंगे इस परम पिता परमात्मा का, इतने कष्टों से हमें निकाल दिया, एक कुत्ते का जीवन लिखन लगो, एक मक्के के दुख है उसके ऊपर, गर्मियों सर्दियों के दिन, सर्दी का मौसम गली में पड़ा है, पहले वो कोठी में रहता था एसी रूम में बिना भक्ति के, देख कहां पड़ा उसका प्लेटफार्म, फिर गली में बैठा है, सह परिवार लेटा है कुतिया कुत्ते बनकर, ऊपर से वर्षा हो रही है, ठिठुर रहा है, आता जाता उसका लठ मार देता है, हैं? पर फिर वो भूखा उठता है सवेरे, किसी के द्वार की तरफ भागता है तो वहां सुबह सुबह कौन उसके लिए वहां परौंठे तैयार कर रखा है, डंडा मारेंगे चल, वो फिर दूसरे घर में घुसता है, तीसरे मनमान रसोई में पहुंच जा, क्यों भूख लग रही है, तो उसके लागे कड़ में लठ, फिर ट्या ट्या करता हुआ फिर कहां पहुंचेगा, कुरडियां पर गंद खाने के लिए जाएगा वो। पुणात्माओं, ये तो एक दिन की का प्रोसेस है कुत्ते का, इसको सारे गधे कुत्ते सब 84 लाख योनियों को देखते हुए इसको लेखन लगे, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा के गुणों का, या पूरी पृथ्वी जितना कागज हो, सातों समुद्रों की इंक हो, ये सब खत्म हो जाए, पर परमेश्वर के इस गुण का अंत नहीं।